हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में आई हुई वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे जो वैकेंसी है उसके बारे में फुल डिटेल में देने वाला हूँ, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे अप्लाई करना है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है और यहाँ पे कौन लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस कोई नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन पर प्लीज़ जरूर प्रेस करिए। 500 लाइक का टारगेट है इस इंस्टीट्यूट की वैकेंसी में। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, सीनियर से लेके जूनियर तक की पोस्टें हैं। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जो आया है 20 दिसंबर 2019 को पोस्ट किया गया है। जो नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पे दो है, मैनेजर अकाउंट पोस्ट का नाम रखा गया है। क्वालिफिकेशन जो है CA एंड CMA इंटर, BCom और MBA फाइनेंस, ये क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांगा गया है। मे बी यहाँ पे आर्टिकलशिप काउंट नहीं किया जाएगा, सो आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट, सो प्लीज़ क्लियरिफाई थ्रू इंस्टीट्यूट ओनली दैट वेदर दे आर काउंटिंग आर्टिकलशिप एज ए इंटर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और नॉट। नेक्स्ट रेमोनरेशन की बात करें यहाँ पे तो 35 to 45,000 रुपीज़ है, और नेचर ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, एनुअल रिव्यू में है। एंड देन प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिल्ली, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जो अप्लीकेशन का है 2 जनवरी 2020 है। तो ये डिटेल थी इस वैकेंसी से रिलेटेड। टर्म्स कंडीशन आइए देख लेते हैं क्या है, कैसे अप्लाई करना है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में यहाँ बताया गया है, द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू ईमेल देयर अप्लीकेशन ऑन training.manager@ipaicmi.in। तो इस वाले मेल पे आपको अपना रिज्यूम फॉरवर्ड कर देना है, एप्लीकेशन मतलब आपका अपना लेटेस्ट जो रिज्यूम है अपडेटेड उसको यहाँ पे मेल करना है। द कॉन्ट्रैक्ट इज पोस्ट इज टेम्पररी बेसिस, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल है यहाँ पे, और यहाँ पे द पर्सन शुड होल्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और इंगेज इन एनी अदर ऑक्यूपेशन शैल नॉट बी एलिजिबल विल बी नॉट एलिजिबल। सो अगर आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस या कहीं और जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं है। कंसिडर इंक्रीज रेमोनरेशन, तो यहाँ पे बताया गया कि सेकेंड ईयर अगर आपका एक्सटेंड किया जाता है तो वहाँ पे हो सकता है आपके परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है तो कुछ परसेंटेज 10%, 5%, 15% जो भी होगा डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट वो आपको इंक्रीज करके सेकेंड ईयर में मिलेगा। नेक्स्ट टर्म्स कंडीशन की बात करें तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है डायरेक्ट इंटरव्यू, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे रिज्यूम के द्वारा उनको कॉल किया जाएगा या बाय मेल मैसेज कर दिया जाएगा इंटरव्यू का डेट एंड टाइम। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारे आपके सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाने हैं डेट ऑफ इंटरव्यू पे यहाँ पे नहीं बताया गया है, केवल उनको बताएगा दोस्त कैंडिडेट सेलेक्टेड। देन यहाँ पे अगर बात करें डिसीजन की तो फाइनल डिसीजन मैनेजमेंट का होगा, बाकी सारे टर्म्स कंडीशन यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बाद बता दिया जाएगा जो फाइनली शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली, तो कैंडिडेट जो भी हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें। ये डिटेल थी पूरी इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है दिल्ली है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है, 35 to 45,000 सैलरी है आपकी, और यहाँ पे टेम्पररी यानी टेम्पररी बेसिस यानी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। आई थिंक ये सैलरी उस इससे पिछली भी जो आई थी उससे अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने फाइनल मांगा था CA CMA में और वहाँ पे 25 to 30,000 सैलरी दे रहे थे 2 साल के एक्सपीरियंस पे, बट यहाँ पे इंटर मांगा हुआ है 2 साल, तो उससे तो बेटर जॉब है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी सैलरी कम है और आप अंडर पेड हैं, तो एटलीस्ट 2 साल तो आप 35 to 45,000 के बीच आ सकते हैं अगर एक्सपीरियंस बेस पे आपके इंटरव्यू पे आपको मिलेगा। तो लास्ट डेट 2 जनवरी 2020 है, तो ज़रूर अप्लाई कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू।